इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दो स्टेट के अपडेट्स आ चुके हैं। हालांकि जितने भी अपडेट्स नोटिफिकेशन हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूं। फिलहाल रिसेंटली अभी दो अपडेट आए हुए हैं स्टेट कोटा को लेकर के। पहला स्टेट आपका है महाराष्ट्र स्टेट, दूसरा आपका है छत्तीसगढ़ स्टेट। इन दोनों स्टेट का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है स्टेट कोटा के लिए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, कॉमन डाउट्स ऑल इंडिया कोटा एमसीसी को लेकर के, कि सर हम चॉइस को लॉक कैसे करें, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी गाइडेंस आपको मिलती है वो टेक्निकल हिंदी गुरु जी यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक और एकदम से ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट की प्रॉपर अपडेट्स के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो टेक्निकल हिंदी गुरु जी, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, जिसको काउंसलिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए किसी भी स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप चॉइस फिलिंग या वहाँ की काउंसलिंग लेना चाहते हैं मेरी पर्सनल काउंसलिंग, तो आप एनी स्टेट, कोई भी स्टेट चलेगा, आप ले सकते हो, ऑल इंडिया की भी ले सकते हो। आपको सबसे पहले फर्स्टली आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। बाकी के जो भी डाउट्स रहेंगे आपकी, वो सारे डाउट्स मैं आपको पर्सनल चॉइस फिलिंग में आपके क्लियर करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बहुत मिनिमम फीस है जिसको आप आसानी से पे कर सकते हो, 1500 रुपये मिनिमम फीस है। आप ये 1500 रुपये पे करके इस वाले नंबर पर आपको पे करना है, ठीक है। और इस वाले नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा पेमेंट का, ठीक है। फिर मैं अपनी पर्सनल काउंसलिंग में आपको ले लूंगा। आज और कल का समय, कल और परसों का समय आपको पास चॉइस फिलिंग, अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की हो तो कर दीजिएगा। और चॉइस फिलिंग आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी पेड काउंसलिंग ले लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो देखिएगा, इन सभी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एमसीसी की चॉइस फिलिंग है, ठीक है, वो एक तो ऑटोमेटिक भी लॉक हो सकती है, दूसरा ये है कि आप लोग चॉइस फिलिंग लॉक करना चाहते हैं, आपके सामने अगर चॉइस लॉक का बटन आ रहा है तो वो अभी मुझे पता है कि वो वर्क नहीं करेगा। वर्क आपका कब करेगा, 26 के दोपहर के बाद जब बटन एक्टिवेट किया जाएगा तब आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो, ठीक है। 3 या 2-3 बजे के बाद 26 को जब बटन आएगा, ठीक है, वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तब आप उसको लॉक कर सकोगे, ठीक है। बाकी की मैं यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है छत्तीसगढ़ स्टेट का है, और छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए बता दूं एक ओपन स्टेट है। यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट प्राइवेट सीट पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बहुत कम फीस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। लाइक 7 से 8 लाख अप्रोक्सीमेट फीस रहती है, वो मैं भी आपको फीस के बारे में डिस्कस करके बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने अपने टेलीग्राम पर सभी नोटिफिकेशन शेयर कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी स्टेट के नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं मैंने वो शेयर कर दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है, मतलब 1 बजे से दोपहर, और 1 अगस्त शाम रात 12 बजे तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेंगी, ठीक है। और इसकी जो फीस है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो 1000 रुपये लगेगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो एसटी एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस रजिस्ट्रेशन लगेगी। एनआरआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10000 रुपये की फीस लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं की जाएगी, ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी और इसका क्या पूरा शेड्यूल है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाती है। सिक्योरिटी मनी के लिए यहाँ पर क्या है कि जर्नल के लिए, पहली बात तो मैंने आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बताई दी अपीले, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए बात करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करते हैं तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये यहाँ पर है। निजी महाविद्यालय या निजी महाविद्यालय प्लस शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि, सुरक्षा निधि राशि आपकी जिसे कहते हैं वो आपकी राशि ये लगने वाली है, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिएगा इसका जो शेड्यूल है छत्तीसगढ़ स्टेट का वो क्या है कि फर्स्ट राउंड में आप लोग देख सकते हो इसके रजिस्ट्रेशन होंगे 25 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, और इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो इसी के साथ चलेगी, मतलब 25 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक ही इसकी चॉइस फिलिंग चलेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन भी उसी सेम डेट में, चॉइस फिलिंग भी उसी सेम डेट में। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 अगस्त को रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक कराई जाएगी शाम 5 बजे तक। एडमिशन भी आपको 17 अगस्त तक ले लेना है अपना, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट में केवल और केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको ना ही
सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, ना ही मोपअप राउंड मतलब थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, ठीक है, ना ही आपको स्टे राउंड में मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो स्टेट के सही चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट सही, तो वो अपना फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लें 1 अगस्त से पहले पहले, ठीक है। सेकेंड राउंड की बात करते हो तो सीधा चॉइस फिलिंग ओपन होगी 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसकी जो अलॉटमेंट होगी, प्रोसेसिंग अलॉटमेंट और जो रिजल्ट आएगा 3 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 4 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका जो एडमिशन है वो 10 अगस्त तक आप लोग सितंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोपअप का ये शेड्यूल रहा, आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर एक रूल है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट मिलती है तो वो फ्री एग्जिट, आप उस सीट को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई सेकंड राउंड या मोपअप राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और आप उसको एडमिशन नहीं लेते हो, तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपको सेकंड या मोपअप राउंड में सीट मिली तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर अपनी सिक्योरिटी मनी को भूलना पड़ेगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट राउंड बिल्कुल फ्री एग्जिट है, जिसमें आपकी जो धरोहर धनराशि है, सिक्योरिटी मनी है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिलती है और आप सीट को छोड़ते हैं तब, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का चॉइस फिलिंग का कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का 29 सितंबर रहेगा। सिक्योरिटी स्क्रूटनी आपकी जो होगी वो 29 से लेकर के 30 सितंबर होगी, एडमिशन 30 सितंबर तक चलेंगे, ठीक है। ये फाइनल दे दिया, लेकिन चॉइस फिलिंग की डेट अभी नहीं दिया, वो आगे डेट दी जाएगी जैसे ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा तब। वो इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ना चले, कंटिन्यू ना हो, सीट पहले ही भर जाए, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं इसकी कि इसमें फीस की, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो यहाँ से देख सकते हो, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, इसकी देख सकते हो। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया कि भाई इससे ज्यादा आप लोग फीस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फीस शेड्यूल आप लोग देख सकते हो, रायपुर इंस्टीट्यूट का है, बालाजी इंस्टीट्यूट, तो ये 3 कॉलेज का देख सकते हो, इनमें 3 ही कॉलेज है आपके, ठीक है। चलिएगा महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MBBS, BDS, BMS, BHMS, BOMS, BPTH, BOPTH, BSLP, VP and BNO, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो इसका देख सकते हो, इसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और 29 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेंगे। पेमेंट जो रहेगा 23 से लेकर के 30 तारीख तक रहेगा। अपलोडिंग कलर स्कैन कॉपी ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके जो रहेंगे वो 23 से लेकर के 30 तारीख तक आप लोग उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी जो आएगी वो 31 तारीख को आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सीट मैट्रिक्स और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। ग्रुप ए MBBS BDS ओनली 1 तारीख से लेकर के 3/8 तक आप लोग इसकी ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हो प्रेफरेंस फॉर्म। बाकी का बात करते हैं आगे, MBBS BDS ग्रुप ए के लिए तो वो फ्रेंड 4/8 को कर सकते हो आप, फिजिकल ज्वाइनिंग जो आपकी होगी 5/8 से लेकर के 9/8 के बीच होगी, ठीक है। तो इसका प्रॉपर ये शेड्यूल है जो कि ऑफिशियल आया हुआ है, इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, और जो भी स्टूडेंट मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो फटाफट से पेड काउंसलिंग ले सकता है, 1500 रुपये है, बहुत मिनिमम फीस आपके लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको कोई डाउट होता है पूछ सकता है कमेंट में। और आपके लिए मैंने वो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिएगा, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।